गांव की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट आपनों गांव की, जिसमें हम आपको सैर करवाते हैं राजस्थान के रंग बिरंगे गांव की। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर सांगानेर के अवनिया गांव में, जो विकास की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अवनिया गांव भी राजस्थान के अन्य गांवों की तरह ग्रामीण संस्कृति से लबरेज है और विकास की यात्रा में भी यहां की पंचायत अन्य गांवों से पीछे नहीं है। यहां मंदिर देवालयों में पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत होती है। यह गांव गुरु बालकृष्ण जी महाराज की समाधि के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि लगभग 250 साल पहले गुरु बालकृष्ण जी महाराज रात में सिंह का रूप धारण करके गाँव की रक्षा किया करते थे। उनकी समाधि पर प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। 250 साल पुराना है। नववास के अंदर चमत्कार दिखाते बेगस गए, बेगस से फिर अवनी में आए गुरु महाराज के संदास जी महाराज, तो सिंह का रूप धारण करते थे, 20-20 जगह शरीर को व्यापक करते थे, इसलिए फेमस है ये आश्रम जी। ये मंदिर मैं जन्म से सुनता आ रहा हूँ कि ये मंदिर 250 साल बहुत पुराना है। यहाँ बालकृष्ण जी साधु हुआ करते थे, जो रात में शहर बन के या सिंह का अवतार किया करते थे, जिसे लोग डरा करते थे। इस पंचायत समिति में अवनिया समेत कुल 8 गांव हैं: चिमनपुरा, घेगा, भावसिंहपुरा, कोदर, बगरू रावान, ढाणी राजपुरा और बाढ़ अवनिया। इनकी कुल आबादी 8,000 है। यहां के ग्रेजुएट युवा सरपंच ने अपनी शिक्षा और ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करते हुए गाँव की समस्याओं को समझ कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। चाहे गांव में सीसी रोड बनाकर कीचड़ और कचरे की समस्या से निजात दिलाना हो या जगह जगह पर फ्लोराइड मुक्त पानी का प्रबंध करवाना हो, सरपंच और उनकी कार्यकारिणी ने गांव में कई विकास कार्य करवाए हैं, जो साफ नजर भी आते हैं। गांव में साफ सफाई और घर घर में बने शौचालय स्वच्छता अभियान की सफलता का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। अंडा काई आ रोड बनवा दिया जो साफ हैगी, कादो कीचड़ मटको। कार्य बहुत अच्छा किया उन्हें, ऊर्जावान व्यक्ति है वो। करा रहे बोरिंग करा दिया और रोडा काम करा रहे आज, और 100 साल बन गया खुद मार खुद कौन बने मार पैसा बनाया हमारा हाल। हाँ, और का तो मिल गया, और तो मिल रहा है, मिल रहे अभी। देखिए हमने ग्राम पंचायत हमारे अवनिया के जो मुख्य गांव है सभी, जैसे अवनिया, बगुरावान, कोदर, अवनिया, घेगा, भासिंगपुरा, छेत्रोली, जो मुख्य आबादी में जो चौक थे, तो वहाँ पहले जहाँ गंदा पानी भरता था, वहाँ हमने सभी जगह सीसी चौक करवा दिए हैं TFCFC के तहत, जो हमारे पंचायत समिति की योजना है TFCFC। और हमने 18-20 अपने सिंगल पॉन्ड और हेडपम्प भी TFCFC के तहत लगवा दिए। जो हमारी जनता दल की टंकियाँ बनी हुई थी, उनके उनमें पानी डाल के हम पाइप लाइन से जगह जगह पानी की सप्लाई कर रहे हैं। बाकी 2-4 अभी कुछ डाणियाँ बची हुई है, जो हम अप्रैल में वहाँ भी पानी पहुँचा देंगे। हालांकि गांव में फ्लोरिड युक्त खारा पानी आज भी सबसे बड़ी समस्या है। गांव में पानी की कमी को देखते हुए कृषि अधिकारी भी ग्रामीणों को वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सरकार की पनघट योजना ने ग्रामीणों को थोड़ी राहत जरूर दी है, किंतु इस समस्या का समाधान जल संरक्षण ही है। हम सब तरह सब किसानों को लाभान्वित करते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जहाँ बारिश का पानी एकत्रित होता है या कोई किसान अपने मकान का पानी इकट्ठा करता है, उसके लिए हमने ना फार्म पोंड की एक स्कीम है, उसमें किसानों को लाभान्वित किया है। उसमें 20x20 मीटर इंटू 3 मीटर गहराई उसकी, और उसके लिए है ना 75,000 रुपये हम किसानों को अनुदान दिलवाते हैं कृषि विभाग से। ग्राम पंचायत अवनिया में लगभग मैं 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, और 3 साल में लगभग पर ईयर 35 लाख के लगभग बजट TFCSFC UTF योजना में आता है। और इन योजनाओं में जैसे सीसी सड़कें हैं, पेयजल व्यवस्था हेतु और जितने भी मरम्मत कार्य हैं वो हमने करवाए हैं, और इसके अलावा MP लेड से भी
एमपी साहब ने कार्य दिए हैं, 10 लाख के लगभग सीसी रोड उन्होंने करवाए हैं। और जेडीए क्षेत्र है, क्योंकि जेडीए क्षेत्र में 3 कॉलोनियाँ यहाँ डेवलप हो रहे हैं, जेडीए ने भी काफ़ी वर्क करवाए, सरपंच साहब ने खूब भाग दौड़ करी इसके लिए। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अगर बकरू विधानसभा बिसलपुर से जुड़ती है तो हमारी पंचायत को बिसलपुर से जोड़ा जाए, और ये जो हमारे गांव की दो मुख्य रोड हैं हेडक्वार्टर की, इनको चौड़ा करके जाए, क्योंकि हमारे जो गौरवपथ के तहत है वो भी रोड हमारे अभी ग्राम पंचायत में नहीं बनी, तो वो मेरे मुख्य रोड वो हमने हेडक्वार्टर की दी है, अगर वो बन जाती है तो हमारे ये समस्या तो दूर हो जाएगी। बाकी पानी की है, जो अगर बगरू विधानसभा बिसलपुर से जुड़ती है तो हमारी ग्राम पंचायत अवनिया को भी जोड़ा जाए। जेडीए की सीमा में आने से अवनिया के विकास में गति तो आई है, लेकिन जेडीए द्वारा कॉलोनी तैयार करने के लिए खेल मैदान की अवाप्ति और 200 फीट रोड के लिए तलाई के अस्तित्व के खत्म होने से ग्रामीण थोड़े नाराज भी हैं। हमारे गांव में काफी विकास हुआ है, विकास भी हुआ है, खाली गांव में एक इतनी सी समस्या है कि एक हमारे खेल मैदान में 8 बीघा अलॉटमेंट जमीन हुई हो रखी है, उसमें जेडीए ने स्कीम काटी है बगरू ग्रीन्स के नाम से, उस 8 बीघा स्कूल में 200 फीट की रोड निकाल दी उसमें से, और प्लस काफ़ी लोग बाग बरसों से लोग बाग रह रहे हैं उसमें, तो उनकी आशियाने वो हटा दिए, और प्लस हमारी एक सरकारी तलाई थी जिसमें लाखों पीढ़ियों से बाप दादाओं से हमने भी बचपन से जब से देखा है ना, जब से तलाई है, तो इसमें नरेगा से पैसे भी लगे हुए हैं, इसमें जानवर भी पानी पीता था, गाँव भी पानी पीता था, उसके बावजूद इन्होंने जेडी वालों ने इसमें भी अपने कब्जे में ले लिया है। राजधानी के बेहद नजदीक होने के बाद भी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गांव में अस्पताल का ना होना है। गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र अवश्य है, परंतु उसकी जर्जर हालत गांव में उपलब्ध लचर चिकित्सा व्यवस्था का नजारा अपने आप ही दिखा देती है। गांव वालों के अनुसार एक ANM आती तो है, परंतु ये चिकित्सालय दूर होने और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ठीक नहीं होने के कारण वो पंचायत भवन में ही बैठ जाती है। जेडीए के क्षेत्र में आने वाले 8,000 लोगों के इस गांव में चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकता का न होना वाकई चौंकाने वाला है। हमारी यहाँ पे मैम आती है, वो पंचायत में रहती है, पंचायत में रहती है। यहाँ पे क्या है, गंदगी भी है, अस्पताल अच्छी तरह से नहीं है, मायने अंदर से टूटा फूटा है, और कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें, लाइट वगैरह सब चीज की प्रॉब्लम है, रास्ते की भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी उन्हें घूम कर आना पड़ता है पैदल पैदल, इसलिए नहीं आती वो। और मान ये अस्पताल की जरूरत से इन्हें चालू करो, वो फूट रही भी से इन्हें सुधराओ भी, और अंडमाखन डॉक्टर आना चाहिए। सर उसके अंदर क्या, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र का इनका चिकित्सा विभाग खुद का बजट आता है सर मरम्मत के लिए, या इनका लिख करके भी दिया हुआ चिकित्सा विभाग को, वाकई में उसकी स्थिति क्यों जर्जर स्थिति में, इस कारण से ANM को यहाँ पर बैठाना पड़ रहा है। रोजगार की कमी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सेवाओं की कमी के कारण ही लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ विकास कार्य आशा की किरण जरूर दिखा रहे हैं, जैसे कि नए सड़क निर्माण। ये सड़कें रोजगार के लिए प्रतिदिन शहर आने जाने वालों के लिए काफी राहत भरी हैं। किंतु आजादी के इतने साल बाद भी यहाँ चिकित्सा व्यवस्था का न होना हमारे विकास को मुँह चिढ़ा रहा है। A1 TV के लिए कैमरामैन रामरतन के साथ निस्मा सिद्दीकी की रिपोर्ट।